जय चित्तवाहन बाबा। सभी बहन जहां पर भी हैं, मेरा प्रणाम और मेरा प्रणाम दीदी लोग स्वीकार हो। तो बहुत लोग के जानकारी नहीं है कि उपास के दिन जीतवाहन भगवान को कैसे पूजा करना चाहिए और कहां पूजा करना चाहिए। तो दीदी ऐसा है कि जीतवाहन भगवान का पूजा जो होना चाहिए तो पानी के स्थान पे, जहां भी पानी हो उसी स्थान पे जीतवाहन भगवान का पूजा होना चाहिए। जैसे कि नदी हो तो नदी के आरार पे जाके और गंगा स्नान करके शरीर को शुद्ध करके और शुद्ध वस्त्र पहन के। ऐसे तो दीदी आप जानते हैं कि पितृपक्ष में नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और ना ही मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। तो शुद्ध जो वस्त्र आपके पास है, जो भी कपड़े शुद्ध है, वो वस्त्र पहन के और जीतवाहन भगवान का पूजा कर सकते हैं। जैसे में कि मान लिया जाए कि जीतवाहन भगवान का आप मिट्टी का ही बना लीजिए उनका मूर्ति, और चिल्हों का मूर्ति बना लीजिए, और सियारुन का मूर्ति बना लीजिए, और गणपति का रख दीजिए, लाल कपड़ा बिछा दीजिए या तो पीला कपड़ा बिछा दीजिए, और उस पे फूल बिछा दीजिए, और कलश रख दीजिए, कलश पे नारियल लगा दीजिए, और नारियल लगा के उनमें कांचे सूत बांध दीजिए, और बांध के और भगवान जीतवाहन महाराज का पूजा शुरू कीजिए। उसमें फूल अवश्य होना चाहिए और दीप भी अवश्य होना चाहिए, अरवा चावल भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे दीदी आप कलश रखेंगे वहाँ तो बिना अरवा चावल का नहीं रख सकते हैं। तो अरवा चावल भी अवश्य होना चाहिए और भगवान पे फूल और अक्षत जरूरी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना फूल अक्षत का तो पूजा हो नहीं सकता है। और एक छोटी सी पीतल का कस्तरी हो या प्रात हो या तो थाली हो, उसमें फल होना चाहिए भगवान का भोग के लिए। और दीदी और भोग लगाकर जो भी आपके पास कोई ऐसा पकवान बना हुआ है, या तो पुआ बनाए हैं, खवौनी बनाए हैं, या तो इनरसा है, या तो गुलगुला है, या तो ऐसा कोई ऐसा आटे का बना हुआ, भगवान के चरणों में आप अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, क्योंकि ये भोग जरूरी है। भगवान का भोग लगाना जरूरी है और भगवान को भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और धूप जलाइए, कपूर से आरती उतारिए, और उसी समय बहने उसी समय आप जितने दीदी लोग हैं एक साथ, जितना दीदी लोग एक साथ हैं वो सभी दीदी मिलकर और भगवान की कथा सुनिए जीतवाहन महाराज का। यदि आपका पुत्र भी साथ में है, पुत्री भी साथ में है, तो और खुशी की बात है। यदि वहाँ नहीं सुन पाते हैं कथा तो अपना घर में आकर भी और सब एक जगह बैठकर दो चार दस जितने हो सकते हैं और सब एक जगह बैठ के दीदी आप लोग कथा प्रेम पूर्वक सुनिए। और जब भी कथा आपको पूरी होती है तो जरूर याद करके कहिए जीतवाहन भगवान की जय, क्योंकि जीतवाहन भगवान का जयकारी जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि उनका कथा आप सुनेंगे तो जयकारी कौन मनाएंगे। यदि जयकारी नहीं मनाएंगे तो जीतवाहन बाबा नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए जीतवाहन बाबा के खुश करेंगे तो आपका पूरा आशीर्वाद देंगे, जिसमें पुत्र का लंबा आयु हो। और दीदी पुत्र के लंबा आयु के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है, तो भला कथा क्यों अधूरी छोड़ सकती है और कथा क्यों नहीं सुन सकती है और जयकारी क्यों नहीं भगवान को मना सकती है। और दीदी याद रखिए, जीतिया व्रत के दिन एक सीख भी भूल से मत तोड़िएगा। यदि हो सकता है शरीर पे मच्छर भी बैठ जाए तो उसको हाथ से हटा दीजिए, कोशिश कीजिए कि उसका हम हत्या नहीं करें। जीवित पुत्री का व्रत के मतलब हुआ दीदी कि जीवित रखना, किसी को मारना नहीं। ये नहीं कि ये चीज तोड़ दे, ये चीज काट दे, दीदी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवित पुत्री का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दीदी जितना खुर रह सकते हैं, खैर जीतिया, इसका नाम खैर जीतिया है, और खैर जीतिया जो है बच्चे की लंबी आयु के लिए माँ करती है। और जो जीतवाहन भगवान है अपना शरीर दूसरे के बचाने के लिए अपना शरीर त्याग कर दे दिए थे कि लीजिए गरुड़ महाराज मुझे आप भोजन कर लीजिए, और गरुड़ महाराज को अपना सौंप दिए थे शरीर, क्यों कि जिसमें
उनका पुत्र बच जाए। और वही हुआ कि भगवान सांप को बचाए, तो इसीलिए जितिया व्रत करते हैं। तो चलिए बहने, मेरा प्रणाम, और आप लोग ध्यान दीजिए और सही ढंग से जितिया व्रत करें। धन्यवाद।